हे फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर टिक्का सैंडविच की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होती है। तो आइए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पनीर टिक्का सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हम लेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे पनीर। तो मैंने यहाँ पे करीबन 400 ग्राम जितना पनीर लिया है, और पनीर को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए वार्म वाटर में सोक करके रखा था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइस और उसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे बटर। तो मैंने यहाँ पे घर के बटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो मार्केट के बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बटर को यूज़ करने के 1 घंटे पहले आप इसे फ्रिज से निकाल लें ताकि ये अच्छे से ब्रेड पर स्प्रेड हो पाए। तो बटर को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे तंदूरी मायो। तो करीबन 1 टेबल स्पून जितना मायो हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। साथ ही में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे पेरी पेरी सॉस। ये सॉस हल्का सा तीखा और खट्टा होता है, तो सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स ही हम इसके डालेंगे। साथ ही में हम इसके साथ ऐड करेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो करीबन 1/2 चम्मच जितना मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ऐड कर लिया है। इसे हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। साथ ही में हम लेंगे 1 टेबल स्पून धनिया मिर्ची की चटनी, और इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और अब जो हमने पनीर को मैरिनेट करके रखा था वो हम इसके ऊपर रख देंगे। और ये मैंने लिया है कैप्सिकम, जिसको मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, और इसको हम पनीर के साथ रख देंगे। और ये मैंने ली है प्याज, जिसको मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, और इसको भी हम पनीर के साथ रख देंगे। और अब हम इसके ऊपर ग्रेट करेंगे चीज, और चीज को हम अच्छी क्वांटिटी में ग्रेट करेंगे। और अब थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे, और थोड़े सा हरा धनिया इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। और अब हम इसे बेक करेंगे। तो उसके लिए मैंने प्री हीटेड ओवन में इसे 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखा हुआ है। आप चाहे तो इसे गैस पर भी बेक कर सकते हैं। तो करीबन 10 मिनट हो चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं कि हल्का गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया है, और ये बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी हो चुकी है। इसको हम पीस में कट कर लेंगे, और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया पनीर टिक्का सैंडविच बनकर हमारी बिल्कुल रेडी है। और मैं इसे पास से भी दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार पनीर टिक्का सैंडविच बनकर हमारी बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर से एक नई रेसिपी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग।